हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है। जांच 15 दिनों में सरकार को सौंपेंगी अपनी रिपोर्ट। बनभूलपुरा और उसके आसपास के इलाकों में हुए उपद्रव की होगी जांच और बाकी जगहों पर बहाल होगी इंटरनेट सेवा। अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद में हुई थी हिंसा। बनभूलपुरा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। रहेगी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों के आसपास तैनात रहेगी पुलिस। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय से 4 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की रखी मांग। हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तक 3 FIR दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। कंट्रोल में हालात, हिंसा के मास्टरमाइंड की हो रही है जांच। अन्य दंगाइयों को बख्शेगी नहीं सरकार। प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई जाएगी रखेगी सरकार। सेवा प्रभावित हुआ है। कुमाऊं को जाने वाली KMOU की सर्विस बंद की गई है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जाने वाले लोगों को हो रही दिक्कत। जालंधर पुलिस की गिरफ्त में बम्बीहा गिरोह के 2 शार्प शूटर। आरोपियों के पास से 1 कार और 2 पिस्टल बरामद। इलाके में हुई बड़ी वारदात में शामिल रहे हैं। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। कीनिया, साउथ अफ्रीका, दुबई भेजने के नाम पर कई युवाओं से लाखों की ठगी। अब बंद पड़ा है एजेंट के दफ्तर, युवा परेशान। पुलिस ने खुलासा किया, मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 4 फरवरी को सड़क किनारे संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था शव। हत्या की गई, अपने दोस्तों के साथ खेलने निकली थी बच्ची, तभी हो गई थी गायब। सर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक ही रात में 2 जगहों पर एनकाउंटर। कार और बाइक सवार 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से जख्मी हुए। दौरान हंगामा, छात्र गुटों में हुई झड़प। ABVP से जुड़े छात्रों ने JNU गेट पर प्रदर्शन किया।